बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भीम जय भीम जय भीम। मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष अतुल जी के द्वारा और जिला अध्यक्ष कपाई जी के द्वारा यहाँ एक प्रोग्राम भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे, जो कि पूरे देश में बराबरी का दिन मनाया जा रहा है, तो आज यहाँ मैं आया था। मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूटी लगाई थी कि आपको एक मंडल में जाना है, तो मुझे यहाँ ड्यूटी लगी थी, मैं आया था। तो भीमराव अंबेडकर जी की जो तालीमात हैं, जो उनकी एजुकेशन है, जो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बराबरी का और जो दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, मजलूम के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, जो अपनी समाज के, जो पूरा देश में और देश में सबसे बड़ी बात है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश की बुनियाद रखी, और सबसे बड़ी बात है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो पूरा जो एजुकेशन है उसको नरेंद्र मोदी जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जैसे कि आखिरी आदमी तक, आखिरी गरीब आदमी तक हम कैसे पहुँचे, और उन पार्टियों को मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस जैसी जमात को जिनकी मानसिकता बादशाही मानसिकता है, और जिन्होंने इस पिछड़ा, दलित को, ओबीसी को, मिनॉरिटीज़ को एक सिर्फ वोट बैंक तक इस्तेमाल करा है, आज इनका भी वक्त आ गया है कि इनके बच्चे भी पढ़ेंगे, इनके बच्चे जम्मू कश्मीर की, देश की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, और नौकरियों में, और इनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, और भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि यहाँ के जो 73 अमेंडमेंट में जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ एक एक्सटेंशन करी थी अपनी, यहाँ जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद, यहाँ हमारे जिला के जो जिला कौंसल वो हैं, वो जिला परिषद है हमारे भारत भूषण जी, वो दलित समाज से है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सब समाज को नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सब समाज को साथ लेके चलते हुए, और ख़ासकर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज मैंने मुबारकबाद दी कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर एक अमन की तरफ बढ़ रहा है, पीस की तरफ बढ़ रहा है, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज लोग अपना रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं, खेलकूद की तरफ बढ़ रहे हैं, आज कश्मीर में भी अमन है और जम्मू में भी अमन है, और जम्मू और कश्मीर बराबर तरक्की कर रहे हैं, ये हमारी दो आँखें हैं, जम्मू और कश्मीर ये दोनों बराबर तरक्की कर रहे हैं, और इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, इसी पे आज यहाँ एक कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम को पूरे देश में आज बराबरी का कार्यक्रम, सभी समाजों में बराबरी का एक कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी इसको सेलिब्रेट करती है।